नमस्कार मित्रों, किस तरह से ईंट की दीवार बनाई जाती है गिम्प में, आइए हम सीखें। इसके लिए हमें एक नई संचिका लेनी होगी। इसमें हम नमूना 800 चौड़ाई और 600 ऊंचाई वाला लेंगे। हमें एक नई परत लेंगे जिस पर हम ईंट बनाना चालू करेंगे। ईंट बनाने के लिए हम ईंट का रंग भी चयन कर लेते हैं। कुछ इस तरह के रंग का हम ईंट बनाएंगे। अब हमें दृश्य पर जाकर जालक दिखाएं कहना होगा और जालक से संरेखित करें ये भी हम कहेंगे। आयताकार चयनक लेते हैं। आयताकार चयनक से हम 11 खंड चौड़ा और 4 खंड लंबा। अब संपादित करें में जाके से हम अग्रभूमि रंग भरण कहेंगे। चयन को हम खिसकाएंगे और पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। चयन को पुनः खिसकाएंगे और एक बार फिर से उसे दोहराएंगे। अब हम चयन पर जाके से नन कहेंगे। एक बार पुनः चयनक का चयन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंत तक एक एक खंड को हम अतिरिक्त रूप से लेंगे। इसे हम कहेंगे नकल करें और संपादित पर पुनः जाकर कहेंगे पेस्ट एज न्यू पैटर्न। अब हम इस संरूप का नाम दे देते हैं। अब हमें इस परत की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। हम एक नई परत ले लेते हैं। हम इन परतों के नाम लिख देते हैं, ब्रिक्स अर्थात ईंट। इस पृष्ठभूमि का नाम हम कह देते हैं इसे सीमेंट। हम इसे कहेंगे ब्रिक्स। चूंकि हमें अब इस जालक की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसे हटा सकते हैं और इस ब्रिक्स लेयर पे जाकर संपादित पर संरूप भरण कहेंगे। इस तरह हमारी ईंट की दीवार तैयार हो गई। अब हमें सीमेंट बनानी होगी। सीमेंट बनाने के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। सीमेंट बनाने के लिए हमें एक और नई परत लेनी होगी। हम इसे इस परत को हम नीचे ले आते हैं। इस परत में निष्पादक में जाके हम प्रस्तुति बादल प्लाज्मा और प्लाज्मा का मान यहाँ बढ़ा के 5 कर देंगे। सीमेंट परत को चयन करेंगे, निष्पादक पे जाएंगे, मानचित्र पर जाके बंप मैप कहेंगे और बंप मैप में हम इस प्लाज्मा लेयर को चयन कर लेंगे और इसे कहेंगे ठीक। इस तरह से हमारी ये सीमेंट तैयार हो गई, परंतु इसमें भी हमें रंग आदि भरने की आवश्यकता होगी। तो हम रंग पे जाएंगे और इसे कहेंगे कलराइज। और हमें कुछ पीला सा रंग चाहिए, इसलिए हम कुछ की वैल्यू लगभग 50, इसको लगभग 30 और थोड़ा सा लाइटनेस को भी कम करेंगे, ये लगभग -5। इस तरह हमारा सीमेंट तैयार हो गया। अब हमको ब्रिक्स पे भी थोड़ा काम करना होगा। हम इस पे भी बम्प मैप डालेंगे। तो हम ईंट को चयन कर लेंगे और मानचित्र में जाके बम्प मैप कहेंगे और इस तरह से, चूंकि ईंट और सीमेंट में काफी अंतर है, इसलिए हम इसकी डेप्थ को थोड़ा कम कर देंगे, 1 डेप्थ कह देंगे और कहेंगे ठीक। और अब हमें निष्पादक पर जाना होगा और नॉइस से कहेंगे हम स्प्रेड, कहेंगे ठीक। पुनः जाएंगे नॉइस स्लर अर्थात बहता हुआ और इसे कहेंगे ठीक। अब इसे हम थोड़ा इसमें डेप्थ देना होगा, इसलिए डेप्थ देने के लिए हमें जाना होगा परत पर लेयर इफेक्ट। यदि आपके पास लेयर इफेक्ट नहीं है तो आप सहायता पर जाकर गिम्प ऑनलाइन में जाकर
प्लगइन रजिस्ट्री पे इसे ढूंढ सकते हैं और इसे संस्थापित कर सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि हम परत पर जाएंगे और इसे कहेंगे बेवल एन एम्बॉस। इसमें आउटर बेवल की जगह हम इसे इनर बेवल कहेंगे और साइज का मान कर देंगे एक। इस तरह से हमारी ये सादृश्य ईंट तैयार हो गई। हमें इस परत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब हम इसे हटा सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत और काम किया जा सकता है, जैसे हम डॉज एंड बर्न टूल लेकर अपारदर्शिता को कम कर लेते हैं और हम किसी दूसरे चयन दूसरी तुलिका लेंगे। इस तरह से कहीं कहीं हमको इसके रंग में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा सादृश्य लगे। इस तरह कहीं डोज और कहीं पर बर्न हमको करना होगा। हम कंट्रोल दबा के इसे बर्न भी कर सकते हैं। कुछ ईंटों को बर्न कर देते हैं, कुछ ईंटों को डोज कर देते हैं। किसी भी पृष्ठभूमि के रूप में इस ईंट की दीवार का प्रयोग करेंगे। हम सीमेंट का चयन करेंगे और एक चित्र यहाँ बुलाएंगे, ओपन एज लेयर कहेंगे और इस चित्र को सबसे ऊपर ले जाएंगे। अब हम इस चित्र को सरका सकते हैं, परंतु ध्यान रखें ये चयन का चयन है यहाँ पर, इसलिए इसे परत का चयन कर देंगे और इस चित्र को आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत और परिवर्तन कर सकते हैं। इस चित्र पर हम रंग पर जाकर इसे लेवल का थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम एक और नया परत लेंगे ताकि हम इसे और खूबसूरत बना सकें। इस परत पर हम ब्लेंड टूल लेंगे और यहाँ पर हमें काला कलर लेना होगा। और इस तरह से, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर प्रकाश ज़्यादा है और नीचे प्रकाश कम, तो हम उसी हिसाब से प्रकाश को कम ज़्यादा करेंगे, अथवा इस तरह से बाएं से थोड़ा इस तरफ। तो इस तरफ से प्रकाश चूंकि आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरफ से प्रकाश आ रहा है, इसलिए हम इसे इस तरह से करेंगे और इसे इस मोड को सामान्य से हम इसे कर देंगे ओवरले। इस तरह से प्रकाश को हम ऊपर की तरफ से आता हुआ दिखा सकते हैं। तो आपका चित्र तैयार है। धन्यवाद।